बताएंगे इंडिया का फर्स्ट ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट धोलेरा स्मार्ट सिटी के बारे में, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का भी मिलेगा। स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट हॉस्पिटल, स्मार्ट कम्युनिकेशन सिस्टम, क्योंकि मोदी जी का स्केल एंड स्पीड दोनों ही कमाल का है। स्केल और स्पीड वाला मामला तो रहता ही हर चीज में, और यही स्किल एंड स्पीड को काम पे लगा के मोदी जी इंडिया पे ऐसा एक इकोनॉमिक हब बनने जा रहा है जो अकल्पनिक है। आज हम आपको धोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का ग्राउंड रिपोर्ट के साथ साथ पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। धोलेरा स्मार्ट सिटी, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। प्राइम मिनिस्टर को बधाई देके आज का वीडियो शुरू करने वाला हूँ। आप सोच रहे हो बधाई की इसके लिए 370 हट गया, राम मंदिर बन गया, इसके लिए नहीं, धोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लेके आने के लिए। धोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ऐसे एक प्रोजेक्ट है जो धरती पे स्वर्ग है। कुछ सालों पहले कोई भी नहीं सोचा था, लेकिन मोदी जी ने वो करके दिखाया धोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेके आके। हम लोग सोचते थे हमारा देश टोक्यो, लंदन, शंघाई, दुबई, सिलिकॉन वैली, सिंगापुर क्यों नहीं है। धोलेरा स्मार्ट सिटी ऐसे ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बनने जा रहे, जहाँ पे बनने वाला है स्मार्ट हॉस्पिटल, स्मार्ट रोड, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम। ऐसा एक सिस्टम बनने जा रहा है जो वायरलेस सेंसर सिस्टम से कनेक्टिविटी रहेगा। धोलेरा स्मार्ट सिटी के बारे में जब मोदी जी सोचता था, तब उनका स्केल एंड स्पीड कमाल का था। को भी मेरी प्रार्थना है, अगर वेबसाइट पर आप धोलेरा DHOLERA धोलेरा SIR इस पर जाएंगे तो बहुत डिटेल मिलेगी। हम अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर समुद्र तट की तरफ एक नया पूरा शहर बना रहे हैं, नया शहर बना रहे हैं जो पूरी तरह सारी व्यवस्थाएं होगी। और वो कैसा शहर होगा, जैसे मैंने कहा ना, मेरा स्केल और स्पीड वाला मामला तो रहता ही हर चीज में। मित्रों, आज जो दिल्ली है, हजारों साल के बाद जो आज दिल्ली बना है, उसकी जो साइज है, ये हमारा जो नया धोलेरा बनेगा उसकी साइज दिल्ली से डबल है। ये हमारा जो धोलेरा बनेगा, आज जो शंघाई है उस शंघाई से 6 गुना ज्यादा बड़ा हमारा वो धोलेरा बनने वाला है, 6 times more। तो मित्रों, उस लेवल पे हम सोच रहे हैं और हमें विश्वास है कि नए शहर बने। पहले हम बताएंगे ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट के बारे में। कोई भी सिटी को जब डेवलप किया जाता है, जैसे कि कलकत्ता सिटी को मान लीजिए डेवलप किया जा रहा है, एक्सटेंड किया जा रहा है, इनको ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट बोला जाएगा। लेकिन कोई भी सिटी जब नया से तैयार हो रहा है, जैसे धोलेरा खाली जमीन के ऊपर तैयार हो रहा है, इनको ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट बोला जाएगा। 920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया लेके धोलेरा स्मार्ट सिटी बनने वाला है, जहाँ पे 5000 मेगावाट बिजली का बंदोबस्त किया जाएगा। मतलब पूरा बिहार में जितना बिजली चाहिए उतना तो एक ही सिटी में प्रोवाइड किया जाएगा। बिजनेस के लिए 4 टाइप का लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी होना बहुत जरूरी होता है। पहला है ट्रांसपोर्टेशन, इसके लिए सुपरफास्ट एक्सप्रेस वे बना दिया। दूसरा होता है पोर्ट, इसके लिए नियर बाय समुद्र को एक्सेसिबल कर दिया गया। और तीसरा होता है एयरपोर्ट, इसके लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया, कार्गो के लिए भी है, पैसेंजर के लिए भी है। और चौथा होता है ट्रेन, इसके लिए अहमदाबाद से धोलेरा तक मेट्रो रेल सेवा बना दिया जाएगा, जहाँ पे 45 मिनट के अंदर धोलेरा टू अहमदाबाद एंड अहमदाबाद टू धोलेरा आ जा सकता है। मोदी जी ने बैरन लैंड को, मतलब जो जमीन खाली पड़ा हुआ था, इसके ऊपर एक न्यू सिटी बनाने जा रहा है। जनरली इंडिया में जो सिटी होता है, उस सिटी में कोई भी यूटिलिटी डालने के पहले एक्सर्वेशन करना पड़ता है। बट धोलेरा स्मार्ट सिटी ऐसा एक ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर बनने जा रहा है, जिसमें एक ही बार जितना यूटिलिटीज है सब अलग अलग एलिमेंट के द्वारा बिछा दिया गया। मुंबई में एक बारिश में रोड के ऊपर पानी जमा हो जाता है, बाहर आ जाता है। बट धोलेरा ऐसा एक स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, जिसमें बारिश तो क्या, बाढ़ में भी रोड का कुछ भी नहीं बिगड़ सकता, क्योंकि रोड के दोनों साइड SWD स्टॉर्म वाटर ड्रेन बना दिया गया है। स्टॉर्म वाटर ड्रेन एक दूसरे रोड से कनेक्टेड है, और इसका जो वेस्टेज वाटर है वो कैनल पे आके गिरता है। मैं कोई पॉलिटिक्स पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ मोदी जी का बिजनेस आइडियोलॉजी का, मैं कर रहा हूँ इन्वेस्ट का, मैं कर रहा हूँ इंडस्ट्रियल का, मैं कर रहा हूँ रोजगार का।
दीदी ने एक दिन बोला था टाटा नैनोगाड़ी होवे ना, हम लोग पश्चिम बंगाल में टाटा नैनोगाड़ी करने नहीं देंगे। लेकिन आज मोदी जी ने धोलेरा पे सिंगल विंडो सिस्टम के द्वारा एक इंडस्ट्रियल हब बना दिया। रियल एस्टेट सब्सिडियरी महिंद्रा लाइफ स्पेस, द पायनियर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड सिटीज अंडर द ब्रांड महिंद्रा वर्ल्ड सिटीज, इज साइनिंग टू MOUs, वन फॉर अ 3000 एकर डेवलपमेंट इन द स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन ऑफ धोलेरा। This will create over 100,000 jobs and attract investments in excess of 10,000 crores. Encouraged by the extraordinary work and the amount of support that you get from the Gujarat government and its bureaucracy and its technocrats, we have been encouraged to launch a new renewable energy park next to Dholera, which will spawn an investment of about 12,000 crores. We are also building 3,300 megawatt at Bhadreshwar, Kutch, 2,600 megawatt at Dahej, and 4,000 megawatt at Dholera SIR. Dholera SIR को control करने के लिए एक ABCD building बना दिया गया, जिसमें पूरा project, पूरा city control हो जा सकता है। ABCD building से पूरा wireless sensors से पूरा city ऐसे ही connected रहता है, मतलब पूरा city में कहीं पे किधर भी कुछ भी होता है, एक्सीडेंट वगैरह जो भी होता है वो ABCD बिल्डिंग में पता चल जाएगा। कोई भी इन्वेस्टर को फैक्ट्री खोलने के पहले उनको DM ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, RTO ऑफिस, माइनिंग ऑफिस, अलग अलग जगह पे जाना पड़ता है। इसके लिए उन लोगों का टाइम भी वेस्ट होता है और हर जगह पे काम करने का रुचि भी दिखाता नहीं है। ABCD बिल्डिंग के अंदर माइनिंग ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, DM ऑफिस, RTO ऑफिस सब एक साथ रहेगा, मतलब ऑन इन ऑल, अलग अलग जगह में जाने का जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं स्मार्ट प्लानिंग और सिंगल विंडो सिस्टम। मोदी जी को पता था कि एक स्मार्ट सिटी बनाने के लिए इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेटा होना चाहिए। इसके लिए मोदी जी ने बेस्ट कंसल्टेंट विप्रो, सिस्को, BM को साथ में लेके आया। पूरा स्मार्ट सिटी को ABCD बिल्डिंग के साथ वायरलेस सेंसर से कनेक्ट कर दिया। ऐसे एक सिस्टम बनेगा जहाँ पे रोड के दोनों तरफ गैस पाइपलाइन, ICT, स्टोम वाटर ड्रेन, पावर डक्ट, पोर्टेबल वाटर लाइन, ऐसे एक सिस्टम जो सेंसर के द्वारा ABCD बिल्डिंग के साथ कनेक्ट रहेगा। काय पे भी गैस पाइपलाइन लीकेज हो रहा है, वाटर लाइन लीकेज हो रहा है, कोई भी बिल्डिंग में आग लगा है, सब कुछ ABCD बिल्डिंग में बैठ के ही पता चल जाएगा, जो इंडिया में फर्स्ट टाइम होने वाला है, जो हम लोगों के लिए एक फ्यूचर तय करेगा। अब भी कम से कम एक बार धोलेरा स्मार्ट सिटी जाना चाहिए और देखना चाहिए। ये है नया सोच, नया भारत, मेक इन इंडिया। जय हिंद।